टिक्की टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल और आज हम आ पहुंचे हैं विज्ञान भवन में, जहां अटल सम्मान का आज प्रोग्राम है और जिसके अंदर अटल उज्ज्वला शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है एक ऐसी महिला को। मेरे ख्याल से एकमात्र महिला है जिनको इतना बड़ा अवार्ड, श्रीमती प्रीति गुप्ता। और क्योंकि मैं वैश्य समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे को बहुत खुशी है कि वैश्य समाज की प्रीति गुप्ता जी को ये अवार्ड मिल रहा है। हम आज जानेंगे उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में। एक गोंडा वार्ड से आती हैं श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। सर, मैं 231 बार से प्रीति गुप्ता और मैं उसको बहुत अच्छा लगा जो कि अटल जी वाजपेयी के जन्मदिन के माध्यम से उसको अटल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये मेरे गौरव की बात है। और मैं अपने क्षेत्रवासी ने मुझको अच्छी बहुमत से जिताया और क्षेत्र में वैसे तो बहुत कई सालों से सेवा करती आ रही थी, मगर मैं चाहती थी एक मौका भी मुझको मिले तो मैं ज़्यादा सेवा कर सकूं। और मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझको ये सम्मान दिया और मैं इस सम्मान के कसौटी पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई आपकी जीत के लिए। इसी बार जीती है ना? मैं पहली बार आई हूँ क्षेत्र में, पहली बार जीती हूँ। पहली बार आप पार्षद का चुनाव भी जीती है जी। और कल आप आई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमारा हम लोग कल भी हमने आपका स्वागत किया था। कल भी आई थी मैं, कल भी मेरा भी स्वागत वहाँ पर सम्मान दिया गया था। विजय गोयल जी वगैरह थे वहाँ पर, आप अच्छा जी। हाँ, कल वहाँ पर मेरा सम्मान किया गया था, अटल जी आपको सम्मानित किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आज आपको यहाँ कैसा लग रहा है, आपको ऐसे सम्मान पाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं समझती हूँ एक ऊपर भगवान का तोहफा है जो मुझको मिल रहा है। बहुत आप तरक्की करें, जल्द से जल्द और आगे बढ़े, एक दिन मुख्यमंत्री बने, हम आपको बस यही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया लगा, फिर मिलेंगे और जानेंगे आपके बारे में। अगर जनता चाहेगी फिर दोबारा से इनके कसौटी पे खड़े उतरेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर धन्यवाद जी।